दोस्तों, ये चीज़ देख रहे हैं जो आप मेरे हाथ में, जो ये चीज़ है, इस चीज़ का प्रयोग अपने जो गेंदे के पौधे होते हैं उसमें आप करोगे तो आपके पौधे में कोई भी प्रकार के कीड़े या स्पाइडर माइट्स जो पौधे में लग जाते हैं, गेंदे के पौधे में जो स्पाइडर माइट्स लगते हैं रेड कलर के, वो नहीं लगेंगे और पौधा स्वस्थ रहेगा हमेशा। और अगर आप नर्सरी से कोई पौधा लाते हैं तो घर में लाते ही जैसे आप देखते होगे नर्सरी में उसमें दो चार फूल खिले रहते हैं और घर पे लाते हैं तो एक हफ्ते के अंदर वो पौधा ख़राब हो जाता है। इस प्रकार से उसमें जाले टाइप के लग जाते हैं और उसके पत्ते भी ख़राब हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ये पेस्टिसाइड बनाना बताऊंगा और जब आप नर्सरी से कोई पौधा लाते हैं किस प्रकार का पौधा लाएं जिससे कि आपका घर पे लाते ही वो पौधा ख़राब ना हो। तो आप वीडियो में बने रहिए और जो मेरे चैनल में नए जुड़े हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और जो चैनल का बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें जिससे कि जो मैं आने वाली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। दोस्तों, इस समय जो नर्सरी में आप पौधा लेने जाते हैं तो आपको दिखता होगा गेंदे के पौधे बहुत अधिक मात्रा में आपको नर्सरी में मिल जाएंगे, क्योंकि इस समय जो है गेंदे के जो है ग्रोविंग टाइम होता है, गेंदा जो है बहुत अच्छा खिलता है ये 2-3 महीने। अगर आप गेंदे के पौधे को नर्सरी से ला रहे हैं तो मैं आपको वीडियो में ये बताऊंगा कि नर्सरी से किस प्रकार का पौधा लाएं जिससे कि वो घर पे लाते ही ख़राब ना हो। गेंदे का पौधा जो है दो तरीके से उग सकता है। गेंदे का पौधा जो है एक तो बीज से उगाते हैं, जब इसके जब फूल सूख जाते हैं तो वो ड्राई होकर उसको आप अगले साल बीज के लिए रख सकते हैं। एक तो बीज से उगाने का तरीका है और एक तरीका होता है इसको कटिंग से उगाने का। कटिंग में आप स्टेम कटिंग के थ्रू इसको ग्रो कर सकते हैं। मैंने स्टेम कटिंग के थ्रू ये जो पौधे ग्रो करे थे, आपने अगर वीडियो देखना है किस तरीके से स्टेम कटिंग की जाती है पौधों की, गेंदे के पौधे की, और उसको ग्रो ग्रो कैसे कराया जाता है, तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। मैंने उसका डिटेल्ड वीडियो बना रखा है और मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। तो दोस्तों, आज जो बात कर रहे हैं गेंदे के पौधे की अच्छी फ्लावरिंग कैसे ली जाती है और इसमें जो पौधे जो ख़राब हो जाते हैं जब ये पौधे सूखने लग जाते हैं आप नर्सरी से लाते हैं तो उसको किस प्रकार की मिट्टी में लगाएंगे आप और किस प्रकार के पॉट में लगाएंगे, वो सब जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगा। तो आप वीडियो को स्किप मत करें, पूरा देखें, क्योंकि कई जानकारी ऐसी होती है जो आप मिस कर जाएंगे तो फिर आपका जो गेंदे का पौधा है वो ग्रो नहीं कर पाएगा। गेंदे के पौधे में देखिए आप कलियाँ आनी स्टार्ट होगी जब आपका पौधा, अगर आपने घर पर ग्रो कर रखा है कटिंग के द्वारा या बीज के द्वारा, तो जब उसमें कलियाँ आनी स्टार्ट हो जाती हैं तो उसमें खाद की बहुत मात्रा की ज़रूरत होती है। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें कौन सी खाद दी जाए जब इसमें कलियाँ आनी स्टार्ट हो जाती हैं या आप नर्सरी से पौधा ला रहे हैं तो उसमें कौन सी खाद दी जाए। उससे पहले देखिए गेंदा जो है कई प्रकार की वेराइटी में होता है। ये देखिए ये हाइब्रिड वेराइटी का गेंदा है, देखिए कितने इसमें बड़े फूल आते हैं। ये मैंने बीज से ग्रो करा था और देखिए उसके बाद मैंने ट्रांसप्लांट करके इसको मैंने थोड़ा जल्दी ग्रो कर दिया था, इसलिए इसमें थोड़ा सा फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट हो गई है। और ये एक देखिए ये जाफरी गेंदा है, ये छोटे वो होते हैं, पौधे भी छोटे होते हैं और इसमें फूल भी बहुत अच्छी मात्रा में आते हैं, इसमें भी जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये कुछ देसी वेराइटी है, देसी वेराइटी में भी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है, इसमें भी फूल काफ़ी अच्छी मात्रा में आते हैं। ये भी मैंने सब कटिंग के थ्रू ग्रो कर रखे। और ये कुछ पौधे देखिए मैंने जो है बीज से ग्रो करे थे उसके बाद इनको इनमें ट्रांसप्लांट कर रखा डिस्पोजल में, देखिए इतने बड़े हो गए हैं। जब आपका पौधा आप नर्सरी से लाते हैं अगर वो छोटा पौधे हैं, इसी प्रकार के पौधे हैं अगर, या इससे थोड़े से बड़े हैं, तो आप उसमें अगर ज़्यादा फ्लावर चाहते हैं और उसको थोड़ा छोटे में ही अच्छी फ्लावरिंग चाहते हैं तो आप ये जो गेंदे का पौधा होता है इसको जो ऊपर का एरिया होता है इसको आप पिंच कर देंगे इस तरीके से, जो टॉप एरिया होता है इसको आप इस तरीके से पिंच कर देंगे तो इसमें नई नई ब्रांच आने लग जाएंगी, 2-3 ब्रांच यहाँ से नीचे से आ जाएंगी, उसमें जो फ्लावरिंग होगी वो बहुत अच्छी मात्रा में होगी। तो इस प्रकार से आप सभी गेंदे के जितने पौधे हैं उसको पिंच कर दीजिए। आप इसको पिंच इस समय कर सकते हैं अगर आपने पौधा लाए हैं या नर्सरी से या आपने घर में ग्रो कर रखा है, तो आप उसको टॉप पिंच अभी कर सकते हैं। इसको 2 बार पिंच कर दीजिए, एक बार जब इसको पिंच करने के बाद जब इसमें दूसरी नीचे से स्टेम आ जाए तो उसको भी आप ऊपर से टॉप पिंच कर दीजिए। तो इस तरीके से आप गेंदे के पौधे से ज़्यादा जो ब्रांचेज मिलेंगी तो उससे फूल भी ज़्यादा ले सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, आप नर्सरी से कोई पौधा लाते हैं तो उसमें देखिए इस प्रकार का ही जैसे ये हैं, ये सूख जाते हैं पत्ते या इसमें स्पाइडर माइट्स लग जाते हैं, जाले जैसे बन जाते हैं, ये देखिए इस प्रकार से सूखने लगते हैं पत्ते।
कुछ दिनों बाद ही ऐसा होने लगता है। इसका एक कारण तो यह है कि जो नर्सरी वाले होते हैं, नर्सरी वाले उसमें जो केमिकल खाद का प्रयोग करते हैं जिससे कि पौधा जल्दी ग्रो हो जाता है, उसमें फ्लावरिंग जल्दी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उन्होंने तो बेचना होता है इसलिए वो जल्दी फ्लावरिंग के लिए उसमें ज़्यादा जो केमिकल का यूज कर लेते हैं, तो इसलिए जो पौधा है जल्दी ग्रो हो जाता है और उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। गेंदे की जो पौधे की लाइफ होती है ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 या 5 महीने मिलेगा, उससे ऊपर नहीं में पौधा ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर नर्सरी से अगर आप पौधा ला रहे हैं तो उसमें देख लेना आप, अगर जो पौधा लाते हैं तो उसके जो पत्ते हैं वो हरे रहने चाहिए। देखिए इस प्रकार से बिल्कुल जो नर्सरी से पौधा लाते हैं बिल्कुल हरे रहने चाहिए। अगर पत्ते अगर सूखने लग गए हैं, नीचे के पत्ते, पुराने पत्ते तो सूख जाते हैं कोई बात नहीं, अगर आपके नए पत्ते में भी अगर हल्के हल्के येल्लोपन या ब्लैकपन आ रहा है तो आप उस पौधे को ना लाएं, क्योंकि वो पुराना पौधा होता है और उसमें फ्लावरिंग एक बार आएगी, 2-4 फूल आएंगे, उसके बाद वो सूख जाएगा। तो आप जो जो ताज़े जो पौधे होते हैं जिनको लगाए हुए 1-1.5 महीना होता है, तो उस प्रकार के पौधे लाएँ, आप सूखे वाले पौधे ना लाएँ, तभी आपके जो फ्लावरिंग अच्छी होगी पौधे में। एक कारण तो ये हो गया। या आप उसके लिए जब मिट्टी बनाते हैं, देखिए ये पौधा लगा है इसमें जो है मिट्टी थोड़ी सी हार्ड हो गई थी, उसकी वजह से भी इसमें फ्लावरिंग तो आने लग गई, देखिए फूल आते हैं थोड़े, उसके बाद यह सूखने लगता है। तो इसके लिए जो मिट्टी बनाते हैं, इसमें मिट्टी में ऐसी होनी चाहिए, उसमें रेता मिक्स कर दीजिए आप। रेता मिक्स करके अगर मिट्टी बनाएंगे तो इसमें जो है पानी रुकेगा नहीं, पानी रुकेगा तो इसमें जो है देखिए बहुत हार्ड हो जाती है। नर्सरी में जो पौधा उगाते हैं वो लाल मिट्टी में उगाते हैं तो उसमें भी मिट्टी बहुत हार्ड होती है। आप उसको घर में लगाते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ी सी पोरस मिट्टी चाहिए। मिट्टी जो है आप उसमें 40% जो है गार्डन सॉइल, 20% आप उसमें रेता मिला दीजिए, कंस्ट्रक्शन साइट का जो रेता आता है वो मिला दीजिए, या आप अगर कोकोपीट मिलाना चाहते हैं तो कोकोपीट भी मिला सकते हैं उसमें 20%, और बाकी जो बताया उसमें खाद, गोबर की खाद वो मिला दीजिए। इस प्रकार की जो आप पॉटिंग सॉइल बनाएंगे तो इसमें जो है पानी रुकेगा नहीं और पौधा आपका स्वस्थ रहेगा। और आप बीच बीच में उसकी हल्की ऊपर से गुड़ाई कर दीजिए, अगर आपका पौधा थोड़ा सा मिट्टी जो है हार्ड हो रही है तो उसकी बीच बीच में गुड़ाई कर दीजिए। इस प्रकार से मिट्टी बनाइए, देखिए ये देखिए कितनी पोरस मिट्टी बनी है और ये पौधा भी अच्छा ग्रो कर रहा है। देखिए ये मैंने इसकी 2-3 बार पिंचिंग कर दी थी तो इसमें फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है। आप जब पौधा लगाते हैं अपने नर्सरी से लाकर गेंदे का पौधा, तो आप देखिए जब उसको लगाते हैं तो उसमें हल्की, उस लगाने के बाद कुछ दिनों बाद आप उसमें हल्की गुड़ाई कर दीजिए इस तरीके से। अगर आपने पौधा पहले से लगाया है तब भी उसकी गुड़ाई ज़रूरी होती है, और नर्सरी से लाने के बाद 8-10 दिन बाद उसको आप इस तरीके से गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने से क्या होता है, पौधे की जो है रूट्स में जो है हवा लगने लग जाती है और थोड़ा सा जो इसमें मॉइस्चर ज़्यादा बने रहता है वो हल्का सूख जाता है। उसके बाद आपने जो खाद देनी है वो बता रहा हूँ आपको किस प्रकार से देनी है और कितनी खाद देनी है। ये देखिए जो ये चीज़ है, ये खाद आपने यूज करनी है इसमें अच्छी फ्लावरिंग के लिए। नर्सरी वाले भी यही खाद, ये ऑर्गेनिक खाद होती है, ये खाद भी डाल के अपने पौधे में अच्छी ग्रोथ पा लेते हैं और फ्लावरिंग भी अच्छी ले लेते हैं। तो ये खाद है मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक आपको कहीं भी दुकान से, फर्टिलाइज़र की दुकान से मिल जाएगा या ऑनलाइन कहीं से भी मंगा सकते हैं आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट से। तो मस्टर्ड केक लेना है आपको, कम से कम अगर आपके 5-6 पौधे हैं 10 पौधे तक आप उसमें जो है 100 ग्राम मस्टर्ड केक ले लीजिए। मस्टर्ड केक को आपने क्या करना है, गोबर की खाद यूज करें या उसमें जो है आप वर्मी कंपोस्ट जो लाते हैं मार्केट से वो यूज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने जो खाद जो है बना के तैयार करी थी, ये इस तरीके से हो जाती है खाद। इसमें आपने 100 ग्राम मस्टर्ड केक डालना है और इसमें गोबर की खाद डालनी है कम से कम आधा किलो, आधा किलो गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और मस्टर्ड केक 100 ग्राम और इसको पानी में 1 से 1.5 लीटर पानी में आप भिगा कर रख दीजिए और 3 दिन तक इसको भिगा कर रखिए और 3 दिन तक इसको इस तरीके से हिला दीजिए, जिससे क्या होगा गोबर की खाद के जितने न्यूट्रिशन हैं और मस्टर्ड केक के जितने हैं वो सब मिक्स हो जाएं। इसमें जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं सब इसमें घुल जाते हैं। और इस खाद को आपने क्या यूज, कैसे यूज करना है, जैसे आपने मिक्सचर बना दिया है इसको 3 दिन बाद आपने छान के अच्छे से पौधे में आप स्प्रे भी कर सकते हैं। और इस तरीके से देखिए, जैसे एक बाल्टी है, ये बाल्टी लीजिए, बाल्टी में आप थोड़ा पानी लीजिए जितना पौधों में देना है, इसको आप थोड़ी मात्रा में मिलाइए, ज़्यादा नहीं, इतनी मात्रा में मिलाकर इसको इस तरीके से आप
पूरा मिला देंगे। तो इस तरीके से आप इसको मिलाएंगे, तो उसके बाद अपने पौधे में जो आपने नर्सरी से पौधा लाए हैं या आपने घर पर लगा रखा, उस पौधे में आप जब भी पानी देते हैं उस तरीके से पानी दे दीजिए। तो पानी जो देंगे जब इसमें मिलेगा और पौधों की जड़ इसको अवशोषित करेंगी, उसके बाद ये आपका पौधा 4-5 दिन में अच्छी जो इसमें बर्ड्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी ले पाएंगे। मैं अपने पौधों में इसी मस्टर्ड के जो फर्टिलाइज़र है इसी का यूज करता हूँ और ज़्यादातर गोबर की खाद का ही यूज करता हूँ अपने पौधों में, जिससे इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है और पौधा स्वस्थ रहता है। दोस्तों अब मैं ये चीज़ बताता हूँ आपको ये चीज़ क्या है और इसका प्रयोग पौधों में किस प्रकार से करेंगे, जिससे कि इसमें जो स्पाइडर माइट्स लगते हैं वो सब ख़त्म हो जाए और पौधा फिर से दोबारा से स्वस्थ हो जाए। दोस्तों गेंदे के पौधे में अगर स्पाइडर माइट्स लग गई तो ये पौधे को पूरा ख़राब कर देती हैं। इसमें क्या होता है, जो रेड कलर की स्पाइडर माइट्स हैं वो जाल बना देती हैं पूरा, और पौधे की पत्तियाँ धीरे धीरे सूखने लगती हैं और उनका कलर भी थोड़ा रेड और थोड़ा वाइट कलर का हो जाता है पत्तियों का, और धीरे धीरे पौधा नीचे से सूखता हुआ पूरा ऊपर की पत्तियों को ख़राब कर देता है। पौधे में कलियाँ तो आएंगी, फूल आएंगे, वो छोटे साइज़ के आएंगे। देखिए जिस प्रकार से छोटे से साइज़ के फूल आएंगे, तो आप इसमें जो है ये इस चीज़ का प्रयोग करेंगे तो आपका पौधा स्वस्थ हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ है नीम का जो पत्ते होते हैं उसको मैंने जो ग्राइंडर में पीस के, ये देखिए नीम के पत्ते, इनको ग्राइंडर में पीस के उसके बाद मैंने इसको 3 दिन तक स्टोर करा, उसके बाद इसको छान के जो लिक्विड बना है उसका स्प्रे इसमें डेली करूँगा। पहले मेरा एक पौधा और देखिए, जैसे ये वाला पौधा है ये भी ख़राब होने लग गया था, इसमें भी पत्ते ख़राब हो गए थे, मैंने इसका स्प्रे करा है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा देखिए फूल अच्छे आने लग गए और जो अब नई नई कलियाँ आ रही हैं वो सब बढ़िया हो रही हैं। तो इसका स्प्रे इस प्रकार से करना है, देखिए आपने, आप कोई बड़ी स्प्रेयर बोतल भी ले सकते हैं, आप पूरे पौधे में इसको स्प्रे कर दीजिए। तो इसको आप कम से कम 8-10 दिन तक डेली स्प्रे करिए और इसको शाम के समय स्प्रे करिए, या आप स्प्रे कर रहे हैं तो उस समय जो है आप पौधे को छाया में रख दीजिए, क्योंकि पौधा जो है एकदम गर्म से जल भी सकता है। तो इस प्रकार से आप अपने पौधे को सुरक्षित रख सकते हैं। आप नर्सरी से भी जब पौधा लाते हैं तो उसमें भी स्प्रे कर देंगे इस प्रकार का, तो आपका पौधा अच्छा रहेगा। दोस्तों इसी वीडियो में आगे लाते रहूँगा, आप मेरे चैनल में बने रहिए और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, क्योंकि कई लोग जो है नर्सरी से इस समय गेंदे के पौधे लाते हैं। धन्यवाद।